नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स न्यूज की एक मुहिम, जब कोई न सुने तो हमें चुने, हम करेंगे दबंगों के हौसले को नाकाम और दिखाएंगे आपकी आपसी जमीन का हो मतलब या दबंगों द्वारा कब्जा कर ली गई हो जमीन। हंगामा टाइम्स न्यूज करेगा पूरी पड़ताल और दोषियों पर करवाएगा कार्रवाई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। हेलो, क्या था? जनपद कुशीनगर के अंतर्गत साइबर सेल और सरिया सुजान की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए सरकारी कागजों, ड्राइविंग लाइसेंस, RC फर्जी तरीके से और कूटरचित तरीके से बनाने वाले गैंग का भंडा फोड़ दिया है। इसमें 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम रफीक अहमद, अनिल सिंह और राजा पटेल हैं। इनके पास से करीब 60 फर्जी DL, 15 फर्जी RC, 426 फर्जी PVC कार्ड, 50,000 रुपये नगद, 3 वाहन, 6-7 प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। इनका मॉडल ऑपरेंडी ये था कि ये यहाँ पर एक टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी के नाम की दुकान इन्होंने खोल रखी थी और ये विभिन्न सरकारी कागजों को डुप्लीकेट कॉपी तैयार किया करते थे। इसमें प्रमुख रूप से ड्राइविंग लाइसेंस है, जो PVC कार्ड के रूप में ये बनाते थे और उसके बाद उनको प्रयोग के लिए दे देते थे। और ये इन्होंने ऑल इंडिया परमिट के लाइसेंस तैयार किए हैं। इसी तरह से फर्जी RC ये तैयार करते थे, फर्जी तरीके से ये टोल फ्री के जो पासेस बनते थे अलग अलग प्रदेशों को, उसको भी इन्होंने बनाया है। इसके अलावा ये फर्जी बिल्टी और फर्जी बिल भी तैयार किया करते थे। ट्रकों के नंबर प्लेट के आधार पर ये जरूरत के हिसाब से उस ट्रक का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, उस ट्रक के पूरे कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर ये देते थे। इस क्रम में इन लोगों ने जिन लोगों को सप्लाई की है पूरे भारत देश में, जहाँ जहाँ पर इनके ड्राइविंग लाइसेंस गए हैं, उन सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। जो इनके कंप्यूटर से डाटा रिकवर हुआ है उसकी पड़ताल की जा रही है कि कहां कहां पर इन लोगों ने इस तरह से फर्जी जो टूट रचित दस्तावेज है उनको दिया है और उनका उपयोग हो रहा है। ऐसे सभी पक्षों की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है और अग्रिम इनाम के लिए रिपोर्ट जो है DID सर और ADG सर के यहाँ भी भेजी गई है। Gracias.